हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव। वेल, हाल ही में हुआ है आईटी अवार्ड 2018। जी हाँ, रेड कार्पेट पर दिखे ढेर सारे सितारे और स्पेशली नजर आए तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सारे स्टारकास्ट। जी हाँ, जैसे कि आप सभी देखते हैं कि शो में सबका अंदाज, सबका जो लुक है वो काफी ज्यादा अलग दिखाया जाता है। लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में सारे स्टारकास्ट तारक मेहता के भले ही अलग अंदाज में नजर आए हैं। जी हाँ, अलग अंदाज और खासकर की जो उनका स्टाइल, उनका लुक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं अलग अलग एक्टर की अलग अलग स्टाइल, और खासकर की दिलीप जोशी, मुनमुन और खासकर की अंजलि, इन सभी की जो मस्ती है, इन सभी का जो लुक है वो कहीं ना कहीं आपको भी देखने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को इन सभी के लुक्स और स्टाइल। Can you be a little louder? Can I hear you? देखिए, सबसे बड़ी बात 18 साल में आदमी वयस्क हो जाता है, मतलब वोट का अधिकार भी 18 में मिलता है, महिला को शादी का अधिकार जो है 18 में मिलता है। तो सरकार भी ये मानती है कि 18 में आदमी बड़ा वयस्क हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो आईटी आल्सो हैज मैच्योर्ड एंड रीच ग्रेट हाइट्स। हर क्षण बेमिसाल है। 11वां साल चल रहा है, 11th ईयर। कैन यू बिलीव इट? व्हेन वी स्टार्टेड 28 जुलाई 2008, नोबडी न्यू दैट वी आर गोइंग टू रीच टिल टुडे 2600 एपिसोड, द लॉन्गेस्ट रनिंग डेली कॉमेडी ऑफ द वर्ल्ड। So I am not a part of a show, I am part of history. बस आप ऐसे ही देखते रहिए हमें, और जैसा मैं रोज कहता हूँ, देखते रहिए, हंसते रहिए। और आप सभी को शैलेश लोढ़ा की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2019 आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए, समृद्धि लाए। बस क्या कहें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 10 साल से लगातार चल रहा है, लोगों का जो प्यार मिला है, और आज 11वें साल में भी यहाँ हम लोग नॉमिनेट हुए हैं। सुना है आईटीए हमें तारक मेहता की टीम को कुछ स्पेशल अवार्ड से नवाजने वाले हैं। तो बस बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल के बाद भी लोग हमें देखना पसंद करते हैं, हमारे सीरियल को देखना पसंद करते हैं। और भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भगवान स्वामीनारायण का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक रखा, इस लायक बनाया कि मैं लोगों के चेहरे पे हंसी बांट सकूँ। बस डे वन से आईटा पहला अवार्ड है टेलीविज़न का, और आज 18 साल से लगातार शशि जी, अनु जी ये ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है, हमेशा ये लोग एवरी ईयर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते ही जा रहे हैं, और आज भी एक अलग वेन्यू पे ये ऑर्गेनाइज किया है। सो एवरी ईयर ऑफ कोर्स आई मीन वी लुक फॉरवर्ड टू आईटी अवार्ड्स। yeah.
नहीं अच्छा आई मीन चेंज इज इनएविटेबल, मतलब वो तो देखिए जीवन में चेंज तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली इट इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू बिगनिंग। जैसे जब टीवी धीरे धीरे बड़ा होते गया तब लोगों को, काफ़ी लोगों को एक इंडस्ट्री बन गया, काफ़ी लोगों को मौका मिला काम करने का हर डिपार्टमेंट में, तो उसी तरह अभी ये वेब सीरीज़ में तो ये और भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपनी जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकते हैं। बस भगवान करे नए साल में आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद बने रहे। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये थे आप सभी के फेवरेट, और खासकर कि जैसा आपने देखा कि दिलीप जोशी जो कि जेठालाल का किरदार निभाते हैं वो रियल लाइफ में कैसे लगते हैं, बबीता आप सबकी कैसे लगती हैं, अय्यर, भिड़े, ये सभी लोग कितने अलग अंदाज में नजर आए हैं और इनका रियल लाइफ जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। वेल, शो में नजर आने वाले ये सारे स्टार कास्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्टाइल में
रियल लाइफ में रहते हैं और उनका ये अंदाज देखकर आप सभी को काफी मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास प्रोग्राम के साथ।